हिंदुस्तान किसी के अब्बा जान की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान भारत जो यहाँ पर है 135 करोड़ लोगों की जमीन है भारत में। और इन नादानों को यह पता नहीं है कि भारत से मोहब्बत का जो दम भरते हैं तो भारत से मिट्टी के टुकड़े का नाम नहीं बल्कि भारत में बसने वाले इन भारतवासियों का नाम भरते हैं। और मिट्टी के टुकड़े तो देश की आजादी से मतलब नहीं, इनको नफरत की आजादी से मतलब, सिर्फ नफरत नफरत नफरत। गिरिराज सिंह इसके PhD स्कॉलर है, हिम्मत है गिरिराज सिंह को, मैं चैलेंज करता हूँ बिहार का एक आम इंसान जाकर वो देख लाए चाइना के चाइना पे और फिर समझेंगे कि गिरिराज सिंह की क्या हिम्मत है। और गिरिराज सिंह को तो हम घुस चाइना घुस रहा है इंडिया में, गिरिराज सिंह की औकात है, जाए वहां जरा फड़िया ले, नरेंद्र मोदी को बोले राजनाथ सिंह को बोले, हिम्मत तो है नहीं तो मदरसा पे आ जाएंगे जरूर। चमचागिरी में बने हुए हैं मंत्री, प्रधानमंत्री ने बनाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को दो चार आदमी ऐसे चाहिए जो दिन भर दरबारी करे, जो उनके तारीफ में कसीदा पड़े, उसी में गिरिराज सिंह का एक नाम है। बिहार में तो उन्होंने कुछ नहीं, गिरिराज सिंह ने मदरसों के ऊपर टिप्पणी की और असदुद्दीन अवैसी को भारत में जिन्ना, उनको दूसरा जिन्ना कहा। देखिए गिरिराज वगैरह जैसे लोगों की बातों पर तो लोगों को कोई रद्द अमल नहीं देना चाहिए। इन लोगों के गुफ्तगू, इन लोगों के अल्फाज, इन लोगों के जुमले, गलियों में काम करने वाले छछोड़े किस्म के जो वर्कर्स हैं उस तरह के जुमले, लेकिन चूंकि वो एक वहदे में हैं, मरकजी हुकूमत के एक जिम्मेदार वजीर हैं, कानूनी वहदा है उस पर बैठे हुए हैं, इसलिए उनके इस किस्म के जुमलों का जवाब देना हम लोग जरूरी समझते हैं। देखिए टीका, टोपी, गाय, कब्रिस्तान, श्मशान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर, अगर ये अल्फाज निकाल दिए जाए सियासत की डिक्शनरी से तो बगैर पानी के जिस तरह मछली तड़प पर मरती है बीजेपी तड़प पर मर जाए, है ना। हिंदुस्तान किसी के अब्बा जान की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान भारत जो यहाँ पर है 135 करोड़ लोगों की जमीन है भारत में। और इन नादानों को ये पता नहीं है कि भारत से मोहब्बत का जो दम भरते हैं तो भारत से मिट्टी के टुकड़े का नाम नहीं बल्कि भारत में बसने वाले इन भारतवासियों का नाम भारत है। और मिट्टी के टुकड़े को पेशानी पे लगाकर भारत से मोहब्बत और इस भारत में बसने वालों के साथ नफरत अदा करके कोई सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। ये सिर्फ तनाव की सियासत करते हैं अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए। ये सीमांचल के इलाके में गए तो जाहिर है कि वो आबादी दलितों की आबादी है, अकलियतों की आबादी है, तो जहाँ गैर मुस्लिमों की आबादी होंगे, मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी, भजन भी, कीर्तन भी, सब कुछ तो अपने मुल्क में होगा। और मुल्क की आजादी की तहरीक में सब मिलके लड़े थे, लेकिन वहां जाकर उन्होंने कहा कि तो पाकिस्तान लगता है, अपने मुल्क को जो पाकिस्तान का हिस्सा कहता हो तो इसके माने वो आदमी सच्चा देशभक्त नहीं है। देखो मैं एक बात कहता हूँ भाई कि भारत को लोग माँ कहते हैं, यकीनन है हम मादरे वतन कहते हैं, ये मोहब्बत की अलामत है, लेकिन माँ से मोहब्बत करना और माँ के बेटों से अदावत करना माँ से मोहब्बत नहीं है बल्कि कमजोर बच्चों से माँ के जो मोहब्बत करता है वही बेटा अच्छा बेटा कहलाता है, और जो कमजोर भाइयों को धक्के मारता है वो कमजोर भाई को धक्का नहीं देता बल्कि अपनी माँ के दिल को तकलीफ पहुंचाता है। तो ये माँ की आत्मा और रूह को तकलीफ पहुंचाने वाले लोग हैं जो लोग मुल्क में बसने वाले लोगों के तई नफरत की फिजा फैला। सिंह बोलते हैं कि दूसरा जिन्ना ओवैसी, और मदरसों पे भी टिप्पणी की उन्होंने, जिन्ना के मजार पर तो आडवाणी जी जाके फूल चढ़ाते हैं, पाकी बिरयानी खाने मोदी जी नवाज शरीफ के यहाँ जाते हैं, बस लेके अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, तो जिन्ना से किसको ज्यादा प्यार है? भाजपा को। जाकर आतंकवादियों को जाकर जो छोड़ना, अजहर मसूद को छोड़ना, वो अजीत डोवाल किए थे भाजपा की सरकार में, जसवंत सिंह गए थे, भाजपा की फितरत है। मैं तो चैलेंज करता हूँ भाजपा को, मंदिर मस्जिद मुसलमान हिंदू टोपी जानेमाज शिरवानी बिरयानी के अलावा भाजपा बात कर ले, रोजगार पे बात कर ले, GDP पे बात कर ले, इंडिया की इकोनॉमी पे बात कर ले, इंडिया के प्रोग्रेस पे बात कर ले, इंडिया के डेवलपमेंट पे बात कर ले, इंडिया की जो प्लुरिस्टिक सोसाइटी उस पर बात कर ले, हिंदुस्तान की जो हमारा इथोस है, हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो हिंदुस्तान का जो आम आवाम की तरक्की पे बात कर ले। भाजपा सिर्फ शॉर्टकट चाहती है। और गिरिराज सिंह को तो हम जरूर चमचागिरी में बने हुए हैं मंत्री, प्रधानमंत्री ने बनाया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को दो चार आदमी ऐसे चाहिए जो दिन भर दरबारी करे, जो उनके तारीफ में कसीदा पड़े, उसी में गिरिराज सिंह का एक नाम है। बिहार में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ग्रामीण विकास मंत्री वो बतला दे,
कि उन्होंने बिहार को कितना रुपया दिलवाया है। मैं चैलेंज करता हूँ, व्हाइट पेपर ला देता हूँ। आज चाइना घुस रहा इंडिया में, गिरिराज सिंह की औकात है, जाए वहां जरा फड़िया ले, नरेंद्र मोदी को बोले, राजनाथ सिंह को बोले, हिम्मत तो है नहीं तो मदरसा पे आ जाएंगे। अरे मदरसा तो हुब्बुल वतनी फजले हक खाराबादी ने हुब्बुल वतनी पे फतवा दिया था, जब देश अंग्रेज से लड़ रहा था कि जो अगर लड़े अंग्रेज के खिलाफ लड़ेगा हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए तो शहीद का दर्जा होगा। हम उसे और दारुल देवबंद की जो कुर्बानी देश की आज़ादी में, दुनिया भूलेगी क्या? और ये क्योंकि आरएसएस है, इनको तो देश की आज़ादी से मतलब नहीं है, इनको नफरत की आज़ादी से मतलब, सिर्फ नफरत। गिरिराज सिंह इसके पीएचडी स्कॉलर है, हिम्मत है गिरिराज सिंह को, मैं चैलेंज करता हूँ, बिहार का एक आम इंसान कि जाकर वो दिखलाए चाइना पे और फिर समझेंगे कि गिरिराज सिंह की क्या हिम्मत है। एम टॉप बैंक्वेट हॉल, मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं।